देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कम से कम 4 साड़ी लेके आए। 4 साड़ी में से हमने सुंदर सुंदर सी ड्रेस बनाई है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको साड़ी की छोटी छोटी क्लिप दिखाई जाएंगी और हमने उस साड़ी में से किस किस तरीके से डिजाइनिंग बनाई है, कैसे कैसे आउटफिट बनाई है, सभी इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, आपको ड्रेस भी बहुत सुंदर लगेगी और उनकी जो साड़ी है वो भी बहुत सुंदर है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंक्वायरी नंबर नीचे मेंशन रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले आप ये वाली साड़ी देखें। इस साड़ी में से बनाया हमने ये वाले आउटफिट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है, एक साड़ी में से हमने 2 ड्रेस बनाई थी, पर इसकी जो साड़ी है उसकी वीडियो हमसे डिलीट हो गई है। पर जब आगे वीडियो में हमारी मैम आपको समझाएंगी इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि ये साड़ी कैसी थी और हमने कौन से पार्ट में से किस तरीके से ड्रेस निकाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें क्रीम कलर और एक कढ़ाई वाला जो पल्लू वाला पार्ट है, इसमें से हमने कम से कम 2 आउटफिट बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इस वाले आउटफिट के बारे में बताती हूँ। ये वाला आउटफिट हमने पल्लू वाले पार्ट में से बनाया और दूसरा जो पल्लू के बाद वाला हिस्सा उसमें से हमने कुर्ती बनाई। तो पहले हम जो पल्लू वाले पार्ट में से जो हमने ड्रेस तैयार करी, पहले मैं उसके बारे में समझा देती हूँ और फिर हम आपको इस कुर्ती के बारे में बताएंगे। 2 कलर की साड़ी में से जो पल्लू वाला पार्ट था उसमें इतनी सुंदर कढ़ाई ये हो रही थी, उसे देख के मतलब ये हमारे क्लाइंट काफी दूर से आए थे। और इनकी ये बेटी की ड्रेस है और जो मैंने अभी आपको कुर्ता दिखाया है ये इनकी मम्मी की ड्रेस है। तो ये हमने पल्लू वाले पार्ट में से ये इनका एक मतलब कोट स्टाइल में इनका आउटफिट तैयार किया। देखिए, जब हमने पल्लू वाले पार्ट में से कुछ उनका ऐसा मन था कि मैं कुछ पैंट स्टाइल या कुछ आप बताइए कुछ डिजाइनिंग, तो हमने ये वाली डिजाइनिंग दिखाई उनको कोट स्टाइल में, तो ये उनको काफी पसंद आया। तो ये हमने पल्लू वाले पार्ट में से बना दिया। इसके नीचे आप जो ये ब्लाउज देख रहे हो, ये ब्लाउज हमने अपने पास से चंदेरी का फैब्रिक है ये, इसको हमने डाई कराया और डाई करा के ये ब्लाउज तैयार किया। ब्लाउज इनका कट स्लीव है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं है, सिंपल सोवर है ताकि नीचे ये टॉप स्टाइल की तरीके से इसे पहन सके। पैंट भी हमने एक चंदेरी का फैब्रिक को डाई किया, उसमें से हमने ये पैंट तैयार की। पैंट में लाइनिंग वाली पैंट है, ये नॉर्मल पैंट है, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, बस इसमें हमने साइड की तरफ ये इसमें पट्टी लगाई ताकि इसका एक मिक्स मैच बन सके। अब जो ये कोट बनाया हमने, आप इस कोट को देखिए और पूरा कंप्लीट बताइए मुझे कि इसका जो ये आउटफिट हमने बनाया है ये कैसा लगा। मतलब कोट के साथ में जो ये कॉम्बिनेशन बनाया, आइडिया दिया और पूरा ये कोट के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अभी वो भी वीडियो आएगी आपके साथ शेयर होगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसको हमने कैसे बनाया। बाकी ये वाला जो पैटर्न हमने बनाया ये साड़ी के पल्लू वाले पार्ट में से बनाया, हमने थोड़े इसमें से जोड़ लगा के इसको पूरा कर दिया। जोड़ इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कहीं पे भी इसमें कम पड़ा तो इसमें जोड़ लगा के बॉर्डर लगा के इस कोट को हमने पूरा कर दिया। स्लीव्स में भी हमने ये बॉर्डर लगाया और यहाँ पे भी कुछ ये वाला जो पैटर्न है, जैसे इसकी बाजू की लंबाई पूरी नहीं हो रही थी तो यहाँ से हमने जोड़ लगा के इसको भी पूरा कर दिया। जोड़ का पता भी नहीं चला और हमारा कोट तैयार हो गया। अब देखिए, आपने ये वाला आउटफिट देख लिया। अब इसके बाद जो पल्लू के बाद वाला जो फैब्रिक था उसमें से मैंने उनको समझाया कि आप जो उनकी मम्मी थी कि आप अपना एक कुर्ता बनवा सकते हो और इस कुर्ते में ये बॉर्डर वगैरह यूज करके काफी सुंदर बन सकता है। तो ये डिजाइनिंग मैंने खुद अपने तरीके से बनाई है, क्लाइंट हमारे उनको छोड़ के चले गए थे कि आप अपने तरीके से बना लेना। तो इसमें हमने पल्लू वाला जो हमने ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर सामने सेट कर दिए, साइड में हमने छोटी छोटी गोली लगा दी जिस कलर का ये कंट्रास्ट बन रहा है। यहाँ पे हमने ये डिजाइनिंग बनाई और बाजू भी हमने इसमें भी बॉर्डर लगा दिया और सिंपल हमने इनकी एक कुर्ती बना दी। जितनी सिंपल सोवर है उतनी ही ये देखने में सुंदर लग रही है, आप भी बताइए आपको। और पीछे की तरफ जो ये बैक है, बैक नेक में भी हमने ये गोलियां लगा दी ताकि पहनने के बाद इसका काफी अच्छा लुक आए। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो 2 कलर की साड़ी है, इस 2 कलर की साड़ी में से हमने एक आउटफिट उनकी बेटी का बनाया
और एक आउटफिट उनकी मम्मी का बनाया। इसमें अभी वो ऑरेंज कलर का मिक्स मैच कर ऑरेंज कलर की पैंट भी पहन सकती हैं, इस कलर की भी पैंट पहन सकती है, वो अपने तरीके से इसको कैरी करेंगी। दुपट्टा भी वो अपने तरीके से ले लेंगी, या यदि उनको नहीं मिला तो हम भी तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा साड़ी में से जो हमने ये ड्रेस तैयार करी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने साड़ी की छोटी सी क्लिप देखी, उस साड़ी में से बनाया हमने ये फ्रॉक। मैम की डिमांड थी कि मेरा इसमें से ऐसा फ्रॉक बना जाए। मैंने एक पिक्चर दिखाई और मैम ने उसको माइंड मेकअप किया कि हाँ मुझे इसी तरीके का चाहिए। यही था मैम। मैम बताइए आपको, चलिए आपको पहले ड्रेस समझाने से पहले मैम से फीडबैक लेते हैं कि मैम को कैसा लगा। मैम बताइए आपको अपनी ड्रेस कैसी लगी। मतलब मैंने जो सोचा था पिक्चर के अकॉर्डिंग मुझे देख के बहुत अच्छी लगी थी और फिर पहन के तो और अच्छी आई थी और अच्छी लगी। मतलब जैसा आपको हमने आइडिया दिया बिल्कुल वैसा ही था। वैसा ही वही सोचा भी था कि वैसा हो। चलिए थैंक यू मैम, आपको अपना मतलब फ्रॉक जो साड़ी में से बनाया वो पसंद आया। और मैम आप कहाँ से आपने आया और हमारे यहाँ पे विजिट किया, कैसे कैसे किया? मैं वैसे गाजियाबाद से आई हूँ, बट मेरी मम्मी सच में आपको इंस्टाग्राम से बहुत देर से दिन से फॉलो करती है एंड उन्होंने मुझे ऐसे जबरदस्ती बोला था यहाँ से बनवाना है ड्रेस, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपको। तो आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू मैम। तो देखिए हमारी मैम को तो अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई, जो कि हमने एक साड़ी में से, ये प्लेन साड़ी थी बट बॉर्डर थे इसमें, और उसमें से ये ड्रेस बनाई, मैम को बहुत पसंद आई। अब मैं बताती हूँ, देखिए फ्रेंड्स आपने जो साड़ी को देखा उसमें आपने देखा चौड़े बॉर्डर थे। मैम को मैंने सजेस्ट किया कि मैम इसमें जो ये चौड़े बॉर्डर है आप इनको ना लीजिए, क्योंकि जो पर्सनैलिटी के हिसाब से यदि हम इसके चौड़े बॉर्डर ले लेते तो ये मतलब लगता कि ये साड़ी में से ही बनाया। तो हमने उसका साड़ी वाला जो चौड़ा बॉर्डर था वो रिमूव कर दिया और उसमें से हमने पतले पतले ये बॉर्डर लिए और उनको हमने ऐसे स्लीव्स में लगा दिया। मतलब इसको थोड़ा कोशिश की कि प्लेन प्लेन फ्रॉक में बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए आप इसमें देख सकते हो, इसमें तो हमने ग्रीन कलर भी नेक में रिमूव कर दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये भी ग्रीन नहीं लिया हमने, सिर्फ हमने इतना पॉइंट लिया इसके अंदर। और ये देखिए एक इस तरीके के सीधे बॉर्डर को नेक में लगाना, फिनिशिंग आप देख सकते हो, मेरे क्राफ्ट्समैन भी बहुत अच्छी मेहनत करके इस तरह की ड्रेस बनाते हैं। तो हमने ये बारीक बॉर्डर लेके इसको नेक पे लगाया, स्लीव्स हमने इनकी चूड़ीदार बनाई। मैम की रिक्वायरमेंट थी कि मतलब ऐसे चूड़ीदार बन जाए या बड़ी बाजू बन जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको हमने कलियों वाला बनाया, जैसे कि आपको हमेशा दिखाते हैं कलियों वाला फ्रॉक है ये। इसमें नीचे हमने कॉटन की ही लाइनिंग लगाई, बॉर्डर आप देख सकते हो हमने चौड़ा बॉर्डर नहीं लगाया, बारीक बॉर्डर लगाया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई खास स्पेशल कुछ भी नहीं है, बट हमने इसमें जो बॉर्डर थे मेन वो यूज नहीं किए, पतले यूज किए, इसलिए इसमें ज्यादा अच्छी लुक आई। अब आप इसकी बैक देखिए, बैक में मैम को टैसल बहुत पसंद आया इसके। देखिए राउंड नेक है, इसमें कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैम को सिंपल सोबर चाहिए था, इसमें हमने सिर्फ टैसल लगाया। टैसल में भी हमने इसी में से जो ये बॉर्डर था इसी का, इसमें से लेस निकाली और ये वाली यहाँ पे सेट कर दी और ये वाले टैसल लगा दी, ये मैम को काफी पसंद आया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्लेन साड़ी में से हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा चौड़ा बॉर्डर लगा के ही उसको ड्रेस को बनाया जाए, उस बॉर्डर में हमेशा ये देखना चाहिए क्या चीज हमें लगा के क्या चीज अच्छी लगेगी। तो हमने एक प्लेन साड़ी में से बॉर्डर वाली में से ये वाली फ्रॉक बनाई। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, हमारी मैम को हमारी ड्रेस बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपको कैसा लगा। ये चलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये हमने साड़ी में से बनाया, साड़ी मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाई, उस साड़ी में से बनाई ये सिर्फ ओनली लहंगा,
घेर इसलिए ज़्यादा अच्छा आया क्योंकि मैम ने सिर्फ इस साड़ी में से सिर्फ लहंगा लहंगा ही मांगा, और इसमें से हमने टैसल भी बनाए, केन भी लगाई इसके अंदर। ये जितना ये बॉर्डर था, बॉर्डर इतना खूबसूरत बॉर्डर है, ये सनील का बॉर्डर है, ये इसको हमने लगाया। इसके नीचे हमने केन कॉटन की लेयर दी, केन लगाई, तब इसका बहुत अच्छा लुक आया। ये जो इसके अंदर आप देख रहे हो गैदर्स, ये हमने उसी तरीके से बनाया। ये इसके हमने कलियों की कटिंग की है, ये देखिए आपको इसमें कलियां दिखाई देंगी, ये देखिए इसमें हमने मोटी मोटी कलियां भी कटिंग की और साथ में थोड़ी सी हमने गैदर्स भी दी हैं। गैदर्स इसमें यदि हम फुल घेर की तरह देते तो बहुत मोटा लगता। और इसके साथ ये जो नेफे वाला पार्ट है ये भी आप देख रहे हो, ब्लू कलर से हमने इसका कंट्रास्ट किया। बैक इसमें हमने टैसल लगाए, डोरी के साथ में टैसल भी हैं, टैसल भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पहली बात तो ये बॉर्डर ही बहुत सुंदर है। हाँ मैम आप बताइए आपको कैसा लगा ये? लग रहा है बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। मन खुश हो गया आपका? अभी देखिए ये जो आप ब्लाउज देख रहे हो ये मैम का ब्लाउज है, खुद का साड़ी के साथ का था ये ब्लाउज, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके के स्पेशल रेडीमेड में जो लहंगे होते हैं उसमें ये कंट्रास्ट होता है, तो मैम ने सिर्फ हमारे यहाँ से इस साड़ी में से सिर्फ लहंगा बनवाया है। ब्लाउज बहुत ही सुंदर है। अभी देखते हैं इसका दुपट्टे का पूरा गेटअप, देखते हैं मैम क्या लेंगे इसके साथ में, फिर बाद में। अभी फिलहाल हमने नेवी ब्लू कलर से साइड में एक लिया है कि इसे इसके साथ देखते हैं कौन सा कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए ये जो ब्लाउज है ना ये पर्पल कलर का है, और इसके जो नीचे ये बॉर्डर है ये डार्क कलर का है, नेवी ब्लू, तो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, इस बॉर्डर के साथ में भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस साड़ी में से जो ये लहंगा बनाया कैसा लगा। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स ये जो आप लहंगा देख रहे हैं, इस लहंगे की साड़ी की वीडियो भी हमसे गलती से डिलीट हो गई थी, पर जब हमारी मैम आपको इस लहंगे की डिटेल बताएंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये साड़ी किस तरीके की थी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और हमारी जो ये मैम है इनकी डिमांड हाई डिमांड इनकी लहंगे की ही थी। मैम बताइए आपको अपना लहंगा कैसा लगा? ये लहंगा काफी सुंदर बना है, मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली ये साड़ी मेरी मम्मी की है और ये 3 या 4 साल पुरानी है, और अभी मेरी मम्मी नहीं है तो मैंने अपनी मम्मी की एक साड़ी अपने लिए रखी, सोच के की थी कि मैं इसका लहंगा बनवाऊंगी, उस लहंगा को पहनूंगी, तो इन फ्यूचर ये मैं लहंगा हमेशा पहनती रहूंगी। और ये लहंगा बहुत सुंदर बना है, जैसा मैंने सोचा था ये शायद उससे भी अच्छा बना है काफी। थैंक यू मैम, और आपकी मम्मी की हमेशा आपके साथ यादें बनी रहे, और ये लहंगा आपके साथ हमेशा रहे, भले ही आप कभी कभी पहने पर अपनी मम्मी को हमेशा एक याद के रूप में हमेशा पहने। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, आपको अपना लहंगा बहुत सुंदर लगा। और देखिए फ्रेंड्स हमने एक ही लहंगे में एक ही साड़ी पूरी है, इस साड़ी में से हमने ये पूरा जो इनका लहंगा बनाया, पल्लू वाले पार्ट को और पल्लू के बाद वाले हिस्से को दोनों को मर्ज करके हमने ये कलियों वाला लहंगा बनाया। मैम की डिमांड थी कि मेरा कोई भी एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें मेहरून कलर का जो ये बॉर्डर है ये यूज होना चाहिए। जो दुपट्टा आप देख रहे हो ये सिर्फ हमने रैंडमली डाला हुआ है, बट अभी इसके साथ दुपट्टा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ हमने अभी इसमें से लहंगा और एक ब्लाउज, ब्लाउज की डिमांड मैम की स्टेप वाली की थी कि इसमें से स्टेप बना जाए, बट इसको इनका कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा हाईलाइट नहीं करना था, मतलब इसकी आप पाइपिंग भी देखिए सेम कलर की पाइपिंग दी है हमने ये वाली, इनको बिल्कुल भी मेहरून टच नहीं चाहिए था। इसकी बैक भी दिखाइए मैम एक बार, स्टेप वाला ये ब्लाउज है और इसमें पीछे देखिए आप वी शेप बनाया हमने, और वी शेप में हमने डोरी इनको थोड़ा सा बोला कि इसमें डोरी लगा के यदि हम टैसल लगाएंगे तो थोड़ा और पार्टी वेयर लुक हो जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता, तो इसलिए हमने इसमें डोरी लगाई, टैसल लगाए, बॉर्डर को हमने यूज किया। और स्टेप वाला है इनका, कलियों वाला है, केन वाला है, पैडेड भी बनाया हमने इसको, कफ वाला है इसमें, तो इसी साड़ी में से पूरा हमने ये पूरा कढ़ाई वाला पार्ट हमने सारा इसमें यूज कर दिया। स्पेशल कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने पल्लू वाले पार्ट को ही ब्लाउज में लिया, बट हमने बस इसके बॉर्डर को हमने हाईलाइट किया। आप देख सकते हो इनकी जो कमर में हमने ये बॉर्डर दिया है,
ये भी हमने कुछ इस तरीके से सेट किया कि इनका मन था कि यहाँ से भी मेरा कुछ बॉर्डर ऐसे लगाया जाए कि उसकी एक अच्छी लुक बन जाए। इनके जो लहंगा है, लहंगे वाले जो कमर वाला पार्ट है, इसमें भी हमने मैरून टच दिया, नाड़े वाला सिस्टम बनाया। तो इस तरीके से हमने मेन इनकी साड़ी में से ये वाला लहंगा तैयार किया। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपको ये लहंगा कैसा लगा जो हमारी मैम है। मैम, आप कितने टाइम से आप हमारे यहाँ से कपड़े स्टिच करा? मुझे बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 12 से 13 साल शुरू हो चुके हैं मुझे, और मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। जितनी भी ड्रेसेस, सूट, ब्लाउज कुछ भी बनाए, इवन लहंगा भी मैंने बनवाया, उससे पहले भी बनवा चुकी हूँ मैं, मेरे सब A1 बने हैं और बहुत फर्स्ट क्लास बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। चलिए, थैंक यू मैम आपको हमारी, और आप हमेशा हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। और अभी दुपट्टा इन्होंने कोई भी इस पे बनाया नहीं है, कंट्रास्ट अभी डाला नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही लगाया हमने दुपट्टा। अभी मैम की डिमांड देखते हैं दुपट्टे में भी कैसी बनने वाली है।